हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं सुमित्रा। और दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक फार्मूला के बारे में। जैसा कि आपने थंबनेल को देख लिया होगा, मोटर की लाइफ को बढ़ाने का फार्मूला। जी दोस्तों, देखिए, मोटर की लाइफ मेन तो एक ही चीज पे डिपेंड होती है, उसका SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। और भी बहुत सारी चीजें होती है जो कि हम करते रहते हैं, पेपर लगाना, टेप लगाना अच्छी क्वालिटी के, अच्छे से उस पर धागा लगाना, वायरनेस डालना, बहुत सारी चीजें, बहुत सारी सेफ्टी वाइंडिंग को बचाना। लेकिन हम सबसे बड़ी एक ही गलती कर देते हैं, जिसके बेस पे हमारा मोटर चलता है, आगे बढ़ता है, उसकी लाइफ होती है, हम उसी को ही खराब डाल। मेरा कहने का मतलब है कि SWG स्टैंडर्ड वायर गेज। जी हाँ दोस्तों, स्टैंडर्ड वायर गेज। देखिए, स्टैंडर्ड वायर गेज हो या समरसिबल मोटर का गेज हो, ओके, दोनों एक ही तरह से होते हैं। होता तो वायर ही है, उसकी क्वालिटी ही मोटर की लाइफ होती है। जी हाँ दोस्तों, उसकी क्वालिटी ही डिपेंड करती है कि उसकी लाइफ क्या होगी। देखिए, जैसे कि हम ही है, मान लीजिए आप ही है या मैं ही हूँ, अगर मैं कुछ अच्छा खाऊंगा, कुछ अच्छी डाइट में लूंगा, है ना, तो हो सकता है मैं ज़्यादा जीऊँ, ठीक है, मेरी लाइफ अच्छी रहे, मेरा शरीर अच्छा रहे, मेरा फिटनेस अच्छा रहे। अच्छी बात है, फिटनेस अच्छा रहेगा तो लाइफ भी अच्छी रहेगी। देखिए, सिंपल सी बात है। ऐसे ही मोटर के साथ होता है। देखिए, जब भी हम किसी कंपनी से, है ना, कोई भी मोटर लेते हैं तो उसकी लाइफ काफ़ी अच्छी जाती है, चाहे बेशक की क्यों ना वो एल्युमिनियम में क्यों ना आई हो, बट वो काफ़ी अच्छी लंबी चल जाती है। देखिए, एल्युमिनियम है तो सिंपल सी बात है कि मोटर थोड़ा सा कम लाइफ होगा, लेकिन फिर भी वो काफ़ी, हम जो वाइंडिंग करके देते हैं उससे काफ़ी चल जाती है, एल्युमिनियम की वाइंडिंग भी। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अगर किसी कोई मोटर हमारे हाथों में आ जाती है, हम उसको वाइंडिंग कर देते हैं, उसके बाद उसकी लाइफ पता ही नहीं उसका कब खराब होगी, कब जल जाए, कब क्या है। सब कुछ अच्छा करते हैं हम अपनी तरफ से, बस एक ही गलती करते हैं, SWG स्टैंडर्ड वायर गेज घटिया लगा दिया। देखिए, जो हम मोटर की स्क्रैप लेकर जाते हैं, ओके, जो लोकल वायर होते हैं, सिंपल सी बात है, जो कि हम लोकल वायर हम मोटर के अंदर जो डालते हैं, ओके, लोकल ब्रांड, वो बनती कैसे है, वो जो हम पुराना स्क्रैप लेके जाते हैं ना, पुराना स्क्रैप, उसी से ही बनकर आती वापस से। उसके ऊपर अच्छे से वायरनेस नहीं होती, जो मतलब क्या बोलते हैं, उसमें पॉलिश बोलते हैं ना, पॉलिश आप देख रहे हैं, ब्लैक पॉलिश है या थोड़ी सी रेड रेड पॉलिश है, ये जो ऊपर का जो परत, ओके, सिंपल सी बात, परत, जो इस पे जो ये परत डालते हैं ना इंसुलिन की, ठीक है, इंसुलेशन, ओके, सॉरी, इंसुलिन बोल दिया, इंसुलिन तो शुगर वालों को दिया जाता है, इंसुलेशन। देखिए, इंसुलेशन जो होता है ना, उस पर जो चिपकाया जाता है, जो एक परत चढ़ाई जाती है, वह परत अगर अच्छी है, मोटी है, वो हीटिंग को जितनी उसमें पावर होती है हीटिंग झेलने की, उतनी अच्छी हमारी तार होगी। और हमारी कॉपर की जो कॉपर है, है ना, उसकी की भी क्वालिटी होनी चाहिए, उसकी क्वालिटी भी, यानी कि उसके अंदर कोई मिलावट नहीं होनी चाहिए। देखिए, सिंपल सी बात है, जब भी कोई आप पुरानी चीज़ से कोई चीज़ बनाएंगे तो उसको फिल्टर किया जाता है ना, जैसे पुरानी तारों से नए तार बनाते हैं लोकल ब्रांड वाले, तो उसमें कहीं ना कहीं कोई ना कोई गंदगी जरूर रह जाती है, अच्छे से वो साफ नहीं हो पाता है, उसमें और भी कचरा वगैरह रह जाता है, हो सकता है उसमें स्टील वगैरह की भी, हो सकता है कहीं मिलावट हो जाए थोड़ी बहुत, ओके, तो उसके कारण वो बहुत ही घटिया बन जाती है, उस पर अच्छे से परत नहीं आती है, अच्छे से उस पर वायरनेस नहीं चलती है। ऐसे में देखा जाता है कि वो वायर कुछ ही हीटिंग के बाद वो जलने लगती है। अगर वो एक जगह से हीट हुई और दूसरी जगह से हीट हुई, वो टच हो रही है आपस में, जैसे रनिंग स्टार्टिंग टच हो रही है, तो वहाँ पे तुरंत वहाँ पे आग लग जाएगी। पहले बात तो, अगर वो टच भी नहीं हो रही है तो भी कॉइल अंदर ही अंदर शॉर्ट होने लगेगी धीरे धीरे हीट। तो यही फर्क होता है एक लोकल वायर में, एक ब्रांडेड वायर। जो ब्रांडेड वायर होती है वो बनती कैसे है, कॉपर की प्योर राड होती है, रोड कॉपर, प्योर कॉपर जो होता है ना, प्योर, जिसमें पूरी तरह से सफाई, कंपनी किसी कहीं से, जैसे कि रोड खरीद लिया किसी कंपनी ने अच्छे से, ओके, प्योर है बिल्कुल की कॉपर, पूरी तरह से प्योरिट है, वो पुराने वायर से नहीं बना रहे, जो हम स्क्रैप लेके जा रहे उससे नहीं बना रहे, वो उसी से बन रही है जो प्योर रोड आ रही है, तो वो उसकी क्वालिटी बेस्ट होगी। और किसी कोई ब्रांड बेच रहा है तो ब्रांड थोड़ी सी महंगी भी बेचेगा, पहली बात तो, क्योंकि उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और जो ब्रांडेड चीज़ें वैसे महंगी होती है इसी कारण से। और जो ब्रांडेड वायर अगर आप मोटर के अंदर लगाते हैं,
हो सकता है उसका रेट थोड़ा सा ऊपर आपको मिलेगा, सिंपल सी बात है कि अच्छी चीज है, ठीक है, लेकिन वो मोटर की लाइफ को ज्यादा करा देगी, क्योंकि वो प्योर रॉड से बनी हुई है, उस पर जो परत लगाई गई है, ओके, उस पर जो परत लगाई गई है, उस पर जो वार्निश करी गई है, एक तरह से अच्छी करी गई है, सिंपल सी भाषा में मैं बोल रहा हूँ, और जो लोकल वायर होती है पुरानी से बनती है, तो इसमें काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट आ जाता है। तो हम चाहकर भी मोटर की लाइफ इसलिए नहीं बढ़ा पाते क्योंकि मोटर में हमने घटिया क्वालिटी का वायर डाल दिया, घटिया क्वालिटी का तार डाल दिया। हम सोच रहे हैं, उम्मीद कर रहे हैं कि एक सीजन तो निकल जाना चाहिए, दो सीजन तो निकल जाना चाहिए, निकलता नहीं है। इसलिए नहीं निकलता है क्योंकि हमने वहाँ पर यही गड़बड़ करी है, हमने पेपर उसमें अच्छे डाल दिए, 7 नंबर डालना था, 5 नंबर डालना था, उसकी जगह 10 डाल दिया। सोच रहे हैं कि अच्छा पेपर की कमी थी, पेपर हीट हुआ ना, पेपर चिपका, ओके, तो पेपर अच्छा डाल दिया, रनिंग स्टार्टिंग के बीच में टेप अच्छा लगा दिया, टेप भी जल रही है तो उसमें पेपर लगा दिया 10 नंबर, फिर भी मोटर जल रही है। अरे भाई क्या हो रहा, मोटर क्यों जल रही है भाई, तार की वजह से जल रही है। तो आप तार अच्छी क्वालिटी का लगाएंगे ना, मैं तो ये नहीं बोल रहा कि आप ज़्यादा, देखिए कोई ज़्यादा पैसा दे रहा है तो उसकी मैं अच्छे से अच्छे तार लगाइए, कोई कम में ही सस्ते में ही फ्री से में एक काम कराने की सोच रहा है तो उसमें लगाइए ना घटिया, आप थोड़ा सा मीडियम क्वालिटी लीजिए और वो लगाइए, तो उससे क्या होगा कि आपको नुकसान नहीं होगा। देखिए सिंपल सी बात है, अगर आप किसी मोटर को रिवाइंड करते हैं और एक सीजन का आप उसका वारंटी भी लेते हैं और एक ही महीने बाद वो आपको वापस आ जाती है, नुकसान किसका हुआ, आपका हुआ, नाम खराब किसका हुआ, आपका हुआ। उसमें एक अच्छा सा वायर लगाते, अच्छा सा उसमें तार लगाते मीडियम सी क्वालिटी का, तो आपका एक सीजन क्या दो सीजन भी पार हो जाते हैं, आपको कंप्लेंट नहीं आती। पहले बात तो आपको कंप्लेंट नहीं आती, दूसरा आपको वो दोबारा से आपको रिवाइंड करके नहीं देना पड़ता, क्योंकि आपको फ्री में फिर दूसरी बार रिवाइंड करके देना पड़ता है, खर्चा आपका होता है, जो आप कमाते हैं फर्स्ट बार में वो दूसरी बार में लगा देते हैं उसमें, सिंपल सी बात है। तो नुकसान सिर्फ आपका ही होता है। तो मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि मीडियम क्वालिटी का तार लगाए और मोटर की लाइफ काफ़ी अच्छी होगी, और हो सके तो कोई ज़्यादा पैसे दे रहा है तो बेस्ट क्वालिटी का उसमें तार लगाएं, तो उससे मोटर की लाइफ इतनी अच्छी हो जाएगी, इतनी बढ़िया हो जाएगी, पूछो मत, मोटर बहुत अच्छी चलेगी, ठीक है। तो आजकल आ रहे हैं ना काफ़ी ज़्यादा सस्ते सस्ते फ़ैन, एल्यूमिनियम में, कॉपर में भी, पहले तो तार ही कम डाल रहे हैं, अब जो आ रहे हैं कॉपर का तार ही बहुत कम डल रहा है और घटिया क्वालिटी के डाल रहे हैं, भाई जलने लग रही है, आए नहीं वारंटी दे दी, सीजन में 3-4 मोटर बदल देते हैं ऐसे ही करके। तो बस यही कहा ना, और कुछ नहीं है, सोचो मत कि हमने तो काम अपने अच्छे, बस अपने काम पे क्या है कि तार अच्छा लगाओ और अपने जो है ईमानदारी से काम करिए, मोटर की लाइफ अच्छी हो जाएगी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, फिर मिलेंगे किसी अन्य वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।